अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। और गुड मॉर्निंग भी, गुड इवनिंग भी। मेरे लिए मॉर्निंग है लेकिन आप लोगों के लिए इवनिंग है, क्योंकि 1 बज रहा है और मैं अब जा रहा हूँ शॉप। फिर वहाँ से आऊँगा 2 बजे 1:30 बजे, फिर वहाँ से आके अपलोड करूँगा वीडियो ब्लॉग। कल अपलोड नहीं हुआ था यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कल व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया और कुछ मसला हो गया था, इस वजह से अपलोड नहीं हुआ। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यार 2 दिन से गर्मी ज़्यादा ही हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं शॉप से आया वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन ये यार लैपटॉप का ना अंदर से कुछ हिल गया, इस वजह से ऑन नहीं हो रहा। तो अभी मैं लैपटॉप खोल रहा हूँ, देखता हूँ इसमें क्या मसला है, सही करूँ। इसको खोलता हूँ अभी, देखता हूँ इसमें क्या मसला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सब चीज़ कर लेते हैं। और अभी मैं अपना लैपटॉप खोला हुआ है, देखता हूँ इसमें क्या काम है। काम तो काफ़ी आसान ही है, कर लूँगा इसमें और सब चीज़ कर लेता हूँ। ये अभी लैपटॉप पूरा खोल दिया, ये ना ये इसका कार्ड होता है, ये कार्ड गिर जाता है। ये देखें अब ये कार्ड सही हो गया ना। अब इसके बाद अब मैं इसको ऑन करूँगा, ये ऑन हो जाएगा। ये कार्ड अक्सर हिलता है ना, तो इस वजह से भी ये ऑन नहीं होता। पैक कर चुका हूँ, चेक करता हूँ ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो जाएगा उम्मीद तो है। ये ऑन हो गया फाइनली। यार देखो सब काम आता है माशाल्लाह से, हर काम कर लेता हूँ। अब इसमें करते हैं वीडियो अपलोड, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है मुझे। और इसमें इंस्टाग्राम की लिंक में डाल दूँगा, जाके मुझे फॉलो करो, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स वगैरह आती है। एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो गई, अब हम लोग इसको करते हैं जल्दी से पब्लिक। चलो भाई फाइनली पोस्ट हो चुका है, आप जाके देख लो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब मैं जा रहा हूँ आपकी शॉप। मैं शॉप से फारिग होकर आ गया और खाना वगैरह मैंने खा लिया है। तो यार मुझे आप लोगों को एक बात बताना था, काफ़ी दिनों से ना एक दूर के काफ़ी दोस्त थे, कभी कभार उससे मेरी इंस्टा पे बात होती है, तो वो मुझे 1 हफ्ते से मैसेज कर रहा है, यार तुमसे मिलना है। तो मैंने बोला क्यों मिलना है भाई, कोई काम वगैरह तो आप मुझे बताओ। उसने बस मुझे कहा कि तुमसे मिलना है, तो मैं इग्नोर कर दिया। 1 हफ्ता हो गया काफ़ी ज़्यादा वो मुझे मैसेजेस कर रहा था इंस्टाग्राम पे। फिर उसने पता नहीं कहाँ से व्हाट्सअप मेरा नंबर निकाला और मुझे व्हाट्सअप पे कॉल कर रहा था। तो उसने मुझे कॉल किया है 2 दिन पहले कि यार मेरा कज़न आया हुआ है पंजाब से, वो तुमसे मिलना चाहता है। तो मैंने बोला चलो यार इतना दूर से आया हुआ है वो कराची, तो मिल लेता हूँ उससे, देखता हूँ वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है, क्या काम है उससे। तो अभी उसकी कॉल आई थी, मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं आपके पास आऊँगा थोड़ी देर में, अब मैं जा रहा हूँ रेडी होने उनसे मिलकर, फिर डायरेक्ट मैं कॉलेज चले जाऊँगा। तो अब देखो वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। मेरे घर के पास है छोटा सा पार्क, तो मैंने कहा है कि आप उधर आ जाओ। वो लोग आ रहे नागन से, वो जो आया हुआ है ना लड़का वो नागन में है, तो वो नागन से आ रहे मुझसे मिलने। तो मैंने बोला आ जाओ छोटे से पार्क है वहाँ पे मिलके, मैं वहाँ से डायरेक्ट कॉलेज चले जाऊँगा। तो अब मैं जा रहा हूँ जल्दी से रेडी हो, मैं रेडी हो चुका हूँ, अब जा रहा हूँ मिलने उससे। तो मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त के पास, उससे मैं बोला कि चलो देखो किससे मिलना है। तो ये हमारे भाई आए हैं। और भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये भाई काफ़ी दूर से आए नागन से आए हैं मुझसे मिलने, वो किसी दोस्त के थ्रू मेरी कॉन्टेक्ट हुई इनसे। तो आप बताएं आप मुझसे कैसे मिलने आए? मैं वो लोग देख रहा था आपका, तो मेरे कज़न ने कहा भाई ये मेरा, मैं इससे जानता हूँ ये कराची के, मैंने कहा यार इनसे मिलना है, आप अच्छे हो। आपका बहुत शुक्रिया यार। इन्होंने सबसे पहले मुझे देखा था टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, काफ़ी अच्छी रील्स वगैरह मैं डालता हूँ, तो ये मेरे फैंस थे। तो इन्होंने मेरे दोस्त को कहा, काफ़ी दूर का दोस्त है, इंस्टा पे बात वगैरह होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, तो मैं इनसे मिलने आ गया। तो इनसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। तो अभी ये मुझे बोल रहे हैं कि आपके साथ चल रहे हैं कहीं खाने पीने, तो मैंने बोला नहीं यार इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, क्योंकि कॉलेज का टाइम भी हो रहा है मेरे जाने का, तो इंशाल्लाह मैं इनके साथ नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं ज़रूर जाऊँगा इनसे, और जो दोस्त के थ्रू ये मिले मुझसे उनसे भी मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊँगा। फर्स्ट बार अगर आप किसी से मिलो ना यार बहुत खुशी होती है, वो भी आपके कोई फैंस वगैरह हो। फर्स्ट बार है मेरा जो मैं टिकटॉक रील्स वगैरह बनाता हूँ, उसमें तो कोई नहीं मिला, लेकिन यूट्यूब में फ़र्स्ट बार कोई मुझे मिला है। तो इस भाई का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके साथ एक
पिक्चर भी ले लेते हैं। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ अपने कॉलेज। तो भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। आप ही लोग भाई? नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुझे अभी कॉलेज जाना है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा तो इंशाल्लाह कहूँगा। टेक केयर। यार उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी, पहली मरतबा कोई मिला मुझे और इतनी खुशी से, काफ़ी ज़्यादा खुशी। अब मैं आ गया था घर, अब मैं जा रहा हूँ सीधा कॉलेज। मैं कॉलेज से आ चुका हूँ और खाना वगैरह भी मैंने खा लिया है, और भाई से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई मुझे। और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रील्स आ गई है, वहाँ पे लाइक कमेंट शेयर कर देना, और इस ब्लॉग को भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अच्छी अच्छी रील्स आई है इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी काफ़ी अच्छी वीडियो अपलोड हुई है। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।